अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड बेचारी कुसिया की आने वाली वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कुसिया का इब्राहिम के साथ शादी करने से इनकार और इब्राहिम की मां की जिद ने इब्राहिम को मुकम्मल तौर पर सब रिश्तों से बदजन कर दिया है। यहां तक कि वो मुल्क छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। इसीलिए वो फ़ोन करके कुसिया से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और उसे बताता है कि वो मुल्क छोड़कर जा रहा है और वो उसे कहता है प्लीज़ मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। इब्राहिम की बातें सुनने के बाद कुसिया हैरान हो जाती है और सोचती है वो शख्स जिसने मेरी खातिर सबसे टक्कर ली, हर एक से मुकाबला किया और मेरा निकाह भी खालिद से होने से रुकवाया और आज मेरे इनकार से वो हार गया है। कुसिया को अब अपने इनकार पर पछतावा हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि अनाया अपने दोस्त के कहने पर इश्फाक साहब से माफ़ी मांग लेती है और उन्हें ये जताती है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो ये समझती है कि उसने जो कुछ भी किया वो उनके साथ वो सब गलत था। अनाया की माफ़ी मांगने के बाद इश्फाक साहब के दिल में बाप की मोहब्बत जाग जाती है और वो दिली दिल में कहते हैं कि कुसिया से मोहब्बत करने का हक़ मैंने अदा कर दिया, अब मुझे एक बाप होने का फ़र्ज भी अदा करना है, लिहाजा मैं अनाया का रिश्ता इब्राहिम के साथ तय करने की बात उसके वालदैन से करूँगा। और वो ये बात करने के लिए इब्राहिम के घर भी पहुँच जाते हैं जहाँ वो राबिया बेगम और इकबाल से अनाया और इब्राहिम के रिश्ते के मुतालिक बात करते हैं। राबिया बेगम तो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं मगर ऐन मौके पर इब्राहिम आकर इनकार कर देता है कि वो अनाया से तो किसी सूरत शादी नहीं करेगा क्योंकि वो कुसिया को चाहता है और शादी भी खुशी से करेगा। और वो अपनी वालिदा से भी ये साफ कह देता है अगर कुसिया इस घर में नहीं आ सकती तो आप ही भूल जाए कि आप कभी मेरी कोई खुशी देख पाएंगी और वो ये भी बता देता है कि वो बहुत जल्द मुल्क छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ अनुषे भी अपनी माँ से कहती है कि आप भाई की बात मान लें वरना वो हम सबको छोड़कर बाहर चले जाएंगे, मगर राबिया बेगम टस से मस नहीं हो रही। वो कहती है चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ मगर तुम जानती हो ना वो एक मासी है और वो मासी इस घर की मालकिन बन जाएगी, इस घर में रहेगी हमारे साथ मेरी नज़रों के सामने, ये कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी मैं भी राबिया बेगम हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। फ्रेंड्स आप देखेंगे अनाया एक तरफ तो खालिद को कुसिया और इब्राहिम के पीछे लगा चुकी है ताकि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो सके और दूसरी तरफ अनाया एक और चाल चलती है और वो फिर से कुसिया के घर पहुंच जाती है। अलियास और किश्वर वहां मौजूद होते हैं। अनाया को देखकर अलियास पूछता है कि आप किस मकसद से यहाँ आई हैं। जवाब में अनाया कहती है मैं यहाँ अपने वालिद इश्फाक अहमद का रिश्ता मांगने आई हूँ कुसिया के लिए। वाह अनाया क्या गेम खेली है, मतलब अपने बाप इश्फाक का इस्तेमाल करके उसकी शादी कुसिया से करवा कर खुद अपना रास्ता साफ कर रही है इब्राहिम के साथ शादी करने के लिए और वो ये चाहती है कि कुसिया की भाभी इस काम में उसका साथ दे क्योंकि वो उसे पता है कि किश्वर बहुत ही लालची है और वो इस काम में बहुत जल्दी उसको भी साथ मिला लेगी। तो फ्रेंड्स क्या लगता है कि कुसिया एक बार फिर से मुश्किल में फंस जाएगी, क्या अलियास मान जाएगा इश्फाक साहब के साथ कुसिया की शादी करने के लिए? ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें।